पाकिस्तान क्रिकेट के पास पैसा नहीं, उनको बीसीसीआई की तरफ देखना पड़ता है, या फिर बीसीसीआई उनको मैचेस दे तो जाकर के वो पाकिस्तान क्रिकेट सरवाइव कर रहा है। हरभजन सिंह साहब ने कहा है कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं हो सकती है। इसी के साथ साथ एक और चीज ये भी है कि जेशा इस वक्त आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं और तनवीर अहमद ने चैलेंज किया कि आपको आना पड़ेगा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान, आपकी टीम आएगी। आगे से हरभजन ने कहा, ले लिया तेरा चैलेंज, दिखाना जब हम आएंगे। कि नहीं हो जाएगा, इट्स ओके, हो जाएगा। उन्होंने बहुत प्यार से जवाब दिया इस चीज का। हरभजन का एक मसला है कि उनकी ये चीज गर्म है। भाई ये चैंपियंस ट्रॉफी होनी है या नहीं होनी, सबसे पहले तो ये क्लियर करो ना। होनी है, मुझे नहीं लगता वैसे होनी है, मुझे नहीं लगता। एंड पे मुझे लगता है कि सब ने अपने करोबतरी निकल जाने और कोई नहीं होनी चैंपियन ट्रॉफी, ये मुझे लग रहा है। अफगानिस्तान, देखो मैं एज ए पाकिस्तानी आपसे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। मैं एक पाकिस्तानी होने के नाते आपसे दिल से, तन से, मन से, धन से, जहां से बोलोगे हर जगह से आप लोगों से माफी मांगता हूं आप लोगों से, क्योंकि यहां पर जय शाह साहब के सिंपली सीधे सीधे ऑर्डर्स आ गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि या तो अफगानिस्तान से माफी मांगो या फिर क्रिकेट में बैन हो जाओ, खत्म, निकलो, दफा हो जाए तुम्हारा। इंडिया पाकिस्तान के साथ ये वाला एग्रीमेंट कि इंडिया के अंदर जब अगले 3 साल तक आईसीसी टूर्नामेंट्स होंगे तो उसमें पाकिस्तान के मैचेस भी हाइब्रिड पे रखे जाएंगे। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को एक लेटर लिखा है और जिसमें ये लिखा गया है कि पाकिस्तान में हमें भी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं जिसकी वजह से हम अपनी टीम पाकिस्तान में नहीं भेजना चाहते। मुंबई इंडियन वर्सेज पाकिस्तान 11, पिक योर फेवरेट प्लेयर। रोहित शर्मा या साइम अयूब? रोहित शर्मा ओब्वियसली भाई। साइम अयूब। आप रोहित शर्मा। इंडिया के लिए पाकिस्तान सेफ है? इंडिया के लिए पाकिस्तान सेफ नहीं है। पाकिस्तान खुद अपने चेहरियों को तहफ़ नहीं दे सकती, जहाँ पे हम आजकल के मामला को देखेंगे। जी पाकिस्तान घुटनों पे आ गया। अच्छा, पाकिस्तानी कोई न्यूज चैनल खोल लो, कोई सोशल मीडिया हैंडल देख लो, इंडिया को हमने घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया। यार अगर रोहित शर्मा पीएसएल में कितने के बिकेंगे भाई? रोहित शर्मा पीएसएल में कोई 4-5 करोड़ तक बिकेगा। आपको क्या लगता है? नहीं, रोहित शर्मा अच्छा बैट्समैन है, उसको इनको देने चाहिए 15-20 करोड़ तो देने चाहिए, लेकिन इनका इतना बजट नहीं आया तो वो फिर इसलिए हम रुक जाते हैं। वी शुड एक्सेप्ट द रियलिटी कि आप इंडिया के साथ लड़ नहीं सकते। दे आर फार स्ट्रॉन्ग देन यू पोलिटिकली और डिप्लोमेटिकली, किसी भी सेंस में आप कह लें, इकोनॉमिकली वो एक बहुत बड़ी मईशत है, 1.5-2 अरब की वो आबादी है और आप उनके साथ नहीं लड़ सकते। जो हमें पैसा देगा हम उसी की तरफ चले जाएंगे। अब देखें जो लास्ट सिचुएशन आई कि हम अब जाके इंडिया नहीं खेलेंगे, ये नहीं खेलेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है कि एक पाकिस्तान को पैसे मिल जाएं, उसके बाद जो भी उसका मेथोडोलॉजी होगी वो उसी तरह जाके जाएगा और पाकिस्तान जाके खेलेगा भी सही। ये झुके हैं, इन्होंने हथियार फेंके हैं, हथियार इसलिए फेंके हैं, इनके पास जवाब कोई नहीं है, जवाब कोई नहीं है। इनका जो जवाब था वो सिक्योरिटी का, वो सब खत्म हो चुका है। जो अपनी आवाम को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता वो दूसरों को क्या करेगा। आज पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी मनसूख हो गई, बिल्कुल ऐसा है। और ऐसे लोग डिसाइड हुए, ऐसे लोग परेशान हुए कि यकीन माने अपने अपने आप को भी, मतलब इससे तो ये पैगाम गया ना कि फिर इंडिया पाकिस्तान में सेफ नहीं है। इंडिया का तो हम जानते हैं, वर्ल्ड का पावरफुल बोर्ड है, अमीर तरीन बोर्ड है, अब तो जैसा आईसीसी चेयरमैन बन गए हैं, तो इंडिया तो हमें पहले से ही पता था हमारे काबू में नहीं आएगा और ना हमने कभी ऐसा सोचा था, मतलब दिल के किसी कोने में ख्याल था हल्का सा शायद इंडिया को कुछ काबू कर ले। कहते हैं वो, उन्होंने कहा ना फारूक भाई वैसे ही पीसीबी के पास खोने को है ही क्या। मैं कहा बात तो ठीक है। चैंपियंस ट्रॉफी मतलब अब तो ऑनेस्टली जितनी दफा चैंपियंस ट्रॉफी मैंने बोला है उतनी दफा तो पता नहीं कौन कौन कब कब क्या क्या कर लेता, मगर चैंपियंस ट्रॉफी वही अटकी हुई है, वही डेडलॉक, वही सर जोड़ के सब बैठे हुए। अफगानिस्तान, देखो मैं एज ए पाकिस्तानी आपसे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। मैं एक पाकिस्तानी होने के नाते आपसे दिल से, तन से, मन से, धन से, जहां से बोलोगे हर जगह से आप लोगों से माफी मांगता हूं आप लोगों से, क्योंकि यहां पर जय शाह साहब के सिंपली सीधे सीधे ऑर्डर्स आ गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि या तो अफगानिस्तान से माफी मांगो या फिर क्रिकेट में बैन हो जाओ, खत्म, निकलो, दफा हो जाए, तुम्हारी जरूरत नहीं है। और क्यों आखिर ये मामला इतना गर्म हो गया, मतलब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई तो चलो ठीक है चल रही थी यार, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर सब जो है फटे बाजियां चल रही थी, एक दूसरे को चीर रहे थे, घसीट रहे थे, मतलब घसीट क्या रहे थे, घसीटा पाकिस्तान ही जा रहा था हर वक्त और अभी भी पाकिस्तान के ही पकोड़े लगे जा रहे हैं। लेकिन हुआ कुछ यूं कि अफगानिस्तान क्रिकेट, मतलब ये मैं क्या सुन के आ रहा हूं, ये मैं क्या सुन के आ रहा हूं कि सब कुछ मामले सेट होने के बावजूद भी अब ये नया कट्टा खुलने जा रहा है।
मतलब हो क्या रहा? पहले सबसे पहले मुझे को ये बताओ भाई, ये चैंपियंस ट्रॉफी होनी है या नहीं होनी? सबसे पहले तो ये क्लियर करो ना, होनी है? मुझे नहीं लगता वैसे होनी है, मुझे नहीं लगता। एंड पे मुझे लगता है कि सब ने अपने करोबतरी निकल जाने और कोई नहीं होनी चैंपियन ट्रॉफी, ये मुझे लग रहा है। क्योंकि भाई आपको पता है कि पीसीबी जिसकी वक्त जिसकी वैल्यू आपने देख लिया कि कितनी है, बिल्कुल जीरो, मतलब इतनी। हरभजन सिंह साहब ने कहा है कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं हो सकती है। इसी के साथ साथ एक और चीज ये भी है कि जेशा इस वक्त आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं और उनके ऊपर एक जिम्मेदारी आयद होती है एज ए चेयरमैन कि वो तमाम बोर्ड्स को इक्वली डील करें और उसका कोई सोल्यूशन निकालें। अभी तक स्केड्यूल भी सामने नहीं आया है, क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फाख्ता की तरफ से कोई खबरें आई हों कि स्केड्यूल कब तक अनाउंस होगा, किसके हक में बात जाएगी? अभी भी ये चीज कंफ्यूजन है। देखिए, सबसे पहले तो मैं हरभजन सिंह साहब की बात करूंगा, अच्छे क्रिकेटर रह चुके हैं और उनको कम से कम अपनी क्रिकेट की साख्त की खातिर, अपनी इज्जत की खातिर। तनवीर अहमद ने चैलेंज किया कि आपको आना पड़ेगा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान, आपकी टीम आएगी। आगे से हरभजन ने कहा, ले लिया तेरा चैलेंज, दिखाना जब हम आएंगे। और आज ये वक्त पहुंचा है कि अब जब हम बात कर रहे हैं, आज तक तो यह है कि 100% भारतीय टीम नहीं आएगी, कल कोई चेंज हो जाए या इस मिनट के बाद कोई चेंज हो जाए, नो वन नोस, बट एट द मोमेंट भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आ रही है। अब हरभजन सिंह का एक और इंटरव्यू मैंने देखा जो विक्रांत गुप्ता साहब ने किया, उनका उनमें एक दो जिसे बोलते ना झोल हैं, एक दो चीज़ें हैं जो हरभजन साहब ने बोली हैं जो गलत थी, उनको मैं थोड़ा सा तस्दीक कर दूं। दूसरा एक दो क्वेश्चंस थे जो शायद विक्रांत गुप्ता साहब को कर लेने चाहिए थे और वो भूल गए, आई डोंट नो। मुंबई इंडियन वर्सेस पाकिस्तान 11, पिक योर फेवरेट प्लेयर, रोहित शर्मा या साइम यूब? रोहित शर्मा ऑब्वियसली भाई, साइम यूब। आप रोहित शर्मा यार, बड़ा शौक किया रोहित शर्मा पे साइम यूब। तिलक वर्मा या अब्दुल्ला शफीक? आप डेफिनेटली अब्दुल्ला शफीक। ठीक है, विल जैक्स या मोहम्मद रिजवान? विल जैक्स। मोहम्मद रिजवान। आप लेकिन स्काई बेस्ट है उससे, जो हमें पैसा देगा हम उसी की तरफ चले जाएंगे। अब देखें जो लास्ट सिचुएशन आई कि हम अब जाके इंडिया नहीं खेलेंगे, ये नहीं खेलेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है कि एक पाकिस्तान को पैसे मिल जाएं, उसके बाद जो भी उसका मेथडोलॉजी होगी वो उसी तरह जाके जाएगा और पाकिस्तान जाके खेलेगा भी सही, पैसे भी लेंगे और जाके उनकी गुलामी की तरह जाके क्रिकेट खेलेंगे भी सही। हमारे मोहसिन नकवी साहब आए दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कि जी वो हम किसी सूरत अपनी इज्जत नफ्स पे कोई बात नहीं आने देंगे, ये नहीं करने देंगे। फिर बात सारी $20 million की है, पहले ही कह दें कि ये हमें दे दें हम मान जाएंगे, मतलब ओपन होगी ना कि पैसे के लिए आपने बिकना है तो वो, यानी हमने $20 million में अपनी इज्जत बेच दी। आज पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी मनसूख हो गई, बिल्कुल ऐसा है। और ऐसे लोग डिसाइड हुए, ऐसे लोग परेशान हुए कि यकीन माने अपने अपने आप को भी, मतलब इससे तो ये पैगाम गया ना कि फिर इंडिया पाकिस्तान में सेफ नहीं है, सीधी सीधी बात तो ये बनी। पाकिस्तान की आप इंडिया की बात करें, इंडिया तक बहुत बड़ा मतलब एक जो है उसके पास कंट्री भी है और उसके पास तकड़े स्पोर्ट वो अपने क्रिकेटर भी है, बिल्कुल। अफगानिस्तान में ये मैसेज दे दिया है कि हम नहीं आएंगे इस मुल्क में खेलने के लिए, अब जो इंडिया बोलता है वो ही अफगानिस्तान बोलता है, अब हमारे मुल्क ये मैच रह गई है, अफगानिस्तान जैसा भी मुल्क हमें पाकिस्तान में ये कहता है कि आपके मुल्क में हम सेफ नहीं है। हमने ही मौका दिया बातें करने का, ना सिगरेट लेते ना बातें होती। सर सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमारे मुल्क के अंदर आप कोई पाकिस्तानी जो ये झुके हैं, इन्होंने हथियार फेंके हैं, हथियार इसलिए फेंके हैं, इनके पास जवाब कोई नहीं है, इनका जो जवाब था वो सिक्योरिटी का, वो सब खत्म हो चुका है। जो अपनी आवाम को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता वो दूसरों को क्या करेगा। इंडिया तो पहले ही चाह रहा था कि हम इनके साथ अपने ताल्लुकात को हर सतह पर खत्म कर दें। एक क्रिकेट का एक रुपये बचा था, पाकिस्तान ने खुद उनको इस प्लेट में रख के ये बात दे दी है कि हम इनके साथ नहीं आते तो ना आए, हम भी नहीं जाएंगे। अगर इंडिया नहीं आते तो कोई मसला नहीं है, बाकी टीमें तो आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें अब हाइब्रिड मॉडल। इंडिया के लिए पाकिस्तान सेफ है? इंडिया के लिए पाकिस्तान सेफ नहीं है, पाकिस्तान खुद अपने चेहरियों को तहफ़ नहीं दे सकती, जहाँ पे हम आजकल के मामला को देखेंगे। तो पहले ना अपने सहाफियों पे हंसी आ रही है, जो हमारे जर्नलिस्ट थे सपोर्ट्स के, हाँ। वो मैं उनको देखता रहता हूँ टिकटॉक पे, इधर उधर वो वीडियोस लगा रहे होते हैं कि यार जो है ना हम मतलब पाकिस्तान ने इधर से पकड़ लिया है, ठीक है, इंडिया को, इंडियन बोर्ड को, आईसीसी को नाथ डाल दी है। यार कितने गए हो, ठीक है,
किधर गए हो तुम जो ना बातें करते थे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार चैंपियन ट्रॉफी जो पूरी पाकिस्तान में मील लगा के बैठा टीम इंडिया पाकिस्तान आएगी, हमारा बोर्ड एक दफा फिर से 20 मिलियन डॉलर में बिक गया है। टोटल बकवास है, ये पैसों पे बिकने वाले। मैं पिछले 3 घंटे से अगर इन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया ना कि भाई हम लोग ठीक है हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे सिर्फ पैसों के चक्कर में, तो यार ये तो भाई इससे आगे कभी इन फ्यूचर कभी तुम ना तो इनको भरम देना, और तुम जो इंडिया बोले ना जो इंडिया बोले तो वो तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अभी इंडिया को जो ये छोटे दिल का मुजाहरा है ना इसको खत्म कर देना चाहिए। इंडिया को जो है क्रिकेट को क्रिकेट समझ के आना चाहिए, हर देश में क्रिकेट को खेलना चाहिए। ठीक है, आपके पास इतनी बड़ी टीम इतने बड़े प्लेयर्स लेके आप क्या दुनिया को दिखा रहे हो कि यार हम तो पाकिस्तान जा ही नहीं रहे खेलने? मतलब इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आपके बारे में, साउथ अफ्रीका क्या सोच? ट्रॉफी को लेके पाकिस्तान की परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं भाई। इंडिया का तो हम जानते हैं, वर्ल्ड का पावरफुल बोर्ड है, अमीर तरीन बोर्ड है, अब तो जैसा आईसीसी चेयरमैन बन गए हैं, तो इंडिया तो हमें पहले से ही पता था हमारे काबू में नहीं आएगा, और ना हमने कभी ऐसा सोचा था। मतलब दिल के किसी कोने में ख्याल था हल्का सा, शायद इंडिया को कुछ काबू कर ले हम, कुछ वो आ जाए कुछ 24 घंटों के लिए, ये फ्लाइट वो फ्लाइट, ये फार्मूला वो फार्मूला, होटल में ना रुके ये ना हो, वो सब हम इंडिया के हवाले से हल्का सा था, और हमें काफी रियलाइज भी था इंडिया की बीसीसीआई की पावर के हवाले से। बट अफगानिस्तान के हवाले से जो आज एक बड़ी खबर निकल के आई है, के बाद अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान में आके चैंपियन ट्रॉफी खेलने से इनकार कर दिया है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को एक लेटर लिखा है और जिसमें ये लिखा गया है कि पाकिस्तान में हमें भी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं जिसकी वजह से हम अपनी टीम पाकिस्तान में नहीं भेजना चाहते, और अफगानिस्तान का इनकार करना पीसीबी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। लेकिन इसके पीछे हाथ किसके आपको मालूम है? पीसीबी का अपना ही हाथ है, और पीसीबी में बैठे हुए नालायक नखट्टू लोगों का हाथ है। अब क्या हुआ सारा सीन वो इस वीडियो में मैं आप लोगों को। उन्होंने एक जगह पर तो ये कहा, रिपब्लिक पर उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान, उनसे सवाल किया गया कि एग्री नहीं हो रहा आने के लिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं हो जाएगा, इट्स ओके हो जाएगा। उन्होंने बहुत प्यार से जवाब दिया इस चीज़ का। हरभजन का एक मसला है कि उनकी ये चीज़ गर्म है, ठीक है, मेरी भी है वैसे, तो मुझे भी गुस्सा जब आता है तो बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन वैसे नॉर्मली नहीं आता, बट इज़ अ वेरी पोलाइट पर्सन। अगर आप उनको इन पर्सन मिलते हैं, आप उन्हें एज अ पर्सन जानते हो, इज़ अ वेरी पोलाइट मैन। लेकिन सबको पता है कि दिमाग गर्म है, कभी भी गर्म हो सकता है, कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं, तो वो उनको ट्रिगर करते हैं और उनसे बात निकलवा कर उसे खबर बना देते हैं। और मैं हैरान ये हूँ कि एंगलिंग किस तरह से की जाती है, किसी भी चीज़ को टर्न किस तरह से किया जाता है। मुझे कहते हैं वो, उन्होंने कहा ना फारूक भाई वैसे ही पीसीबी के पास खोने को है ही क्या। मैं कहा बात तो ठीक है, पीसीबी को लगता है ये बात आ गई पसंद, वो खड़े हो गए। ये जितने एक्स क्रिकेटर्स हैं ना, ये उससे पहले कह रहे थे कि अब निकालो परे करो पाकिस्तान को, उनके बगैर खेल लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लटरम पटरम। बाद में जब कैलकुलेशंस आई हैं ना, और आनी थी ठीक है ना ये वाली कैलकुलेशंस, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना सारे धीमे होते गए हैं। नहीं बात होनी चाहिए ये। अब जैसे हरभजन सिंह का स्टेटमेंट, हरभजन सिंह के ज़रा पहले जाकर स्टेटमेंट्स ज़रा देखें ना, और फिर अब आगे ये स्टेटमेंट्स देखें तो आपको साफ। इंडियन एक्सप्रेस ने एक स्टोरी किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ ये वाला एग्रीमेंट कि इंडिया के अंदर जब अगले 3 साल तक आईसीसी टूर्नामेंट्स होंगे तो उसमें पाकिस्तान के मैचेस भी हाइब्रिड पे रखे जाएंगे। इंडिया ने ये प्रपोजल, ये ऑफर, ये पेशकश और इस एग्रीमेंट से भागने का फैसला किया है। वो इस बुनियाद के ऊपर इंडियन एक्सप्रेस ने बहाना लिखा है बीसीसीआई की तरफ से कि इंडिया के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सिक्योरिटी के कोई मसाइल नहीं है, इंडिया सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम करता है, और ब्ला 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 उन्होंने